आज हम सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है पार्टिकल साइज के बेसिस पर आप देखोगे सॉल्यूशंस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा होता है सस्पेंशन। लिख लीजिएगा। तीसरा है सस्पेंशन। तो देखो, ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जो बहुत ही छोटा होता है, जिसका जो पार्टिकल साइज ये 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, और ये सबसे बड़े होती हैं, इनसे बड़ा साइज। दूसरा, ये जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, जबकि ये दोनों हेटरोजीनियस होती हैं, ये भी हेटरोजीनियस। तीसरा, तीसरा ये है कि आप देखोगे इसके होमोजीनियस मिक्सचर के पहले एग्जाम्पल बता दूं, जैसे इथेनॉल है वाटर में डाल दिए, जैसे शुगर है वाटर में डाल दिए, तो आप इसको डाल दो तो आप मालूम नहीं कर पाएंगे कि साहब इसके अंदर पानी में मिला हुआ क्या है। जब हिला दोगे थोड़ी देर तो होमोजीनियस हो गया। कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनता है वो क्या है, जैसे सल्फर का सॉल्यूशन, गोल्ड का सॉल्यूशन, प्रोटीन का सॉल्यूशन है, इनका मिक्सचर कोलाइडल होता है। और सबसे बड़ा, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाल दो तो आप दोनों को अलग-अलग पहचान लोगे, तो ये सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं, लिख लीजिएगा। लिख लिए। तीसरा ये लिख लो, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये बहुत महीन होते हैं, इनका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। आ रहा है समझ में? ये देखोगे आप दूसरा वाला, तो ये आपको वैसे कभी कभी ट्रांसपेरेंट लगेगा, हमेशा नहीं, जनरली ट्रांसपेरेंट। और ये जो है ये बड़े पार्टिकल है, तो ये ओपेक होती है। ओपेक का मतलब होता है इसमें आर पार दिखाई नहीं देगा, है ना, इसमें आर पार दिखाई देगा। तो तीन डिफरेंस तो ये होगा इनके बीच में, इन्हें हटा देता हूं। तीन डिफरेंस और दिखा देती हैं आपको। देखिए, चौथा डिफरेंस ये है कि ये इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देंगे आपको, तो पार्टिकल। कांट सीन इवन विद माइक्रोस्कोप, मतलब ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देती, मतलब नेकेड आई भी तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देंगे। सवाल है फिर किससे दिखाई देंगे? तो इट कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप,
इससे देखे जाते हैं। ये तब देखने को मिलेंगे, नेकेड आई से ये भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस पर लाइट पड़ेगी तब दिखाई देंगे। जैसे आपने कभी कभी कमरे में देखा हो कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कोई छोटा सा होल है उससे बाहर से रोशनी आ रही है तो देखा डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते होंगे, है ना, उस लाइट के अंदर, वो है कोलाइडल पार्टिकल। तो ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन तब दिखाई देंगे जब इन पर लाइट पड़ेगी। लिख लिया, तो लिख लो पार्टिकल आर नॉट सीन बाय नेकेड आई। But seen when light is passed through it। समझ में आ रही है बात? जब इन पर लाइट पड़ती है तब दिखाई देती है, और ये तो सबसे बड़े हैं, इनको आप देख सकते हैं नेकेड आई से। तो पार्टिकल कैन बी सीन By naked eye। ये सबसे बड़े हैं तो आसानी से दिखाई दे जाएंगे naked eye से। पांचवा टिंडल इफेक्ट आप पढ़ेंगे, ये केवल कोलाइडल शो करती। तो टिंडल इफेक्ट होता है ये क्या होता है अभी बताएंगे हम टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करती, डू नॉट शो। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और ये कभी कभी करते हैं, या इस पर भी लिख लो ये शो नहीं करते हैं। अगला है ब्राउनियन मूवमेंट। ये शो नहीं करते, ये शो करते हैं, ये भी शो नहीं करते हैं। तो ये आपने इसमें डिफरेंस पढ़ा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। पार्टिकल के साइज के बेसिस पर इनको तीन हिस्सों में डिवाइड करा गया है और इसमें ये छह डिफरेंस लिखे गए, लिख लीजिएगा। लिख लिए। अब आप जो कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हो ये टोटल टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, कितने टाइप का होता है, एट टाइप। देयर आर एट टाइप, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनता है आपको बता दें ये हेटरोजीनियस होता है। किससे बनता है, डिस्पर्स्ड फेस प्लस डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर बाहर से कुछ भी डाल दिया, इसके अंदर मान लो आपने सल्फर डाल दिया, तो ये क्या है, ये मीडियम है, तो इसको बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। और ये क्या है, ये इसमें डाला जा रहा है, इसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्जन मीडियम। तो कोई पूछे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप कहेंगे इट इज द मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। अब सोचिए ये होता है हेटरोजीनियस, लेकिन गैस गैस में जो सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस होता है। तो आठ टाइप का बनेगा, गैस गैस का मिक्सचर जो होता है ये होमोजीनियस होता है। इसलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सवाल ये, फिर आठ टाइप के कौन से सॉल्यूशन है, तो आप क्या करो, इसको फ्रीज कर लो सॉलिड। ये डिस्पर्जन क्या है, फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, और मीडियम बदलते जाओ, मीडियम पहले ये ले लो
लिक्विड ले लो, गैस ले लो। तो बताइए, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, ये क्या है? तीनों ये फेज है और ये मीडियम है। अब आप क्या करो, इसको फेज को लिक्विड ले लो और इनको फिर बदलते रहो, सॉलिड लिक्विड गैस मीडियम को। तो बताओ, ये तीन टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन फिर बन गया। अब आप इसको फिक्स कर लो गैस फेज को, इसको बदलो सॉलिड लिक्विड गैस। तो गैस गैस का मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन अभी लिखवाए थे हेटरोजीनियस है, इसलिए इसका मिक्सचर कभी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो बताओ, ये गैस गैस का तो नहीं बनेगा कोलाइडल, तो ये दो टाइप ही का होगा। तो कुल 3 3 2, एक टाइप का हो गया, नहीं हो गया ये। अब इसमें मेन बात आपको जो दो तीन याद रखनी है वो ये है कि सोल किसे कहते हैं, सोल, जेल किसे कहते हैं और इमल्शन किसे कहते हैं। ये बातें याद रखना। देखो, सोल का मतलब होता है किसी सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया गया है ना, और इमल्शन का मतलब है दोनों चीजें लिक्विड लिक्विड है। तो इमल्शन में क्या है, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल दिया गया है, जैसे पेंट होता है, सुना होगा आपने, इमल्शन पेंट होता है, है ना। और जेल के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, इसमें लिक्विड सॉलिड के अंदर डाला जाता है। तो ये जरूर याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्लियर हो गया कि टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और टिका टिका के 2-3 बार पढ़िएगा। हाँ, देखिएगा, ऐसा है कि टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बेसिस पर कोलाइडल सॉल्यूशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला होता है लायोफिलिक कोलाइड और सेकंड होता है लायोफोबिक कोलाइड। देखो, ये अपने नाम से ही बता रहा है, लायोफिलिक, फिलिक मींस लविंग। तो ये क्या होता है, ये पानी के अंदर जैसे डाला तो क्या होगा, तुरंत सॉल्यूशन बना। तो ये कैसा होता है, ये फिलिक, फिलिक मींस लविंग होता है। ये फोबिक है, फोबिक का मतलब होता है इसे डर लगा, है ना, डिस्पर्जन मीडियम को के अंदर, डिस्पर्स्ड फेज को जाने में डर लगा, जैसे किसी आदमी को पानी में तैरने से डर लगता है। तो अगर आपने पानी में किसी आदमी को भेजा तो उसे फोबिया है, हाइड्रोफोबिया, उसे पानी से डर लगेगा। तो ये सॉल्यूशन आसानी से नहीं बनाएगा, इसे डर लगे। फिलिक मतलब लविंग, ये तुरंत सॉल्यूशन बना लेगा। अब ये जल्दी से सॉल्यूशन बना लेगा तो जल्दी से अलग भी हो सकता है, तो ये रिवर्सिबल होता है नेचर। ये पहली बात तो सॉल्यूशन बनाएगा नहीं, लेकिन अगर आपने स्पेशल मेथड अपना कर सॉल्यूशन बना भी दिया, है ना, एक बार बन गया तो फिर ये अलग नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल नेचर है इसका। तीसरा, ये आसानी से बनाया जा सकता है, इट इज इजी टू प्रिपेयर, इसको आप आसानी से नहीं बना सकते। चौथा, जब ये आसानी से बन जाएगा, पास पास आ जाएगा, तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और विस्कोसिटी सरफेस टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं स्टेट ऑफ मैटर में, इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी ज्यादा, ये ज्यादा विस्कस है, दोनों मिल रहे हैं आपस में, विस्कस हो जाएगा तो इसका विस्कोसिटी हाई है, मतलब सरफेस टेंशन इसका लो है। समझ में आ रहा है, इसको जस्ट रिवर्स कर। इसके एग्जांपल फोबिक के मिलेंगे आपको, जैसे सल्फर का बनाया जाए सोल, गोल्ड सोल, गोल्ड का सॉल्यूशन बनाया जाए, या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सॉल्ट बनाया जाए तो लायोफोबिक होता है।
और अगर आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, प्रोटीन के संग बना लिया सॉल्यूशन, है ना, सेलुलोज के संग बना लिया, तो ये होती है लाइफिलिक। तो लिखिए इनमें तीन चार डिफरेंस आपको लिखवा देती। तो पहला तो आपको बताई दिया फिलिंग का मतलब क्या है, कि ये सॉल्वेंट लविंग होता और ये सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्जन मीडियम, हीटिंग होता है, ये हीट करता, फोबिया मतलब इसको डर लगता। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल मैंने बताई दी, जैसे स्टार्च ले लो, सेलुलोज ले लो, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लो, इसको वाटर में मिला तो ये तुरंत सॉल्यूशन बना ले, ठीक है। और इसके एग्जांपल मैंने बताए थे कि आपको क्या होंगे, जैसे सल्फर का सॉल्यूशन बना लो, गोल्ड का सॉल्यूशन बना लो, या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बना, ये सब के सब लायोफोबिक होते। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा बताया था इसका नेचर कैसा है, रिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल कोलाइड्स होती और ये इरिवर्सिबल कोलाइड्स होती। तीसरा, ये आसानी से बन सकता है, क्या होगा, कॉन्टेक्ट में आके जुड़ जाएगा, इजी टू प्रिपेयर, है ना, ये आसानी से बन जाएगा और ये नहीं बनेगा, इट इज नॉट इजी टू प्रिपेयर। चौथा मैंने बताया कि इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, क्यों होती है, क्योंकि जब ये दोनों जुड़ जाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे तो चीज विस्कस हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, और विस्कोसिटी सरफेस टेंशन के क्या होती है, इनवर्सली, तो ये लो, इसमें उल्टा करो, इसकी विस्कोसिटी लो है मतलब सरफेस टेंशन हाई। बताइए समझ में आ रहा है? चलो अभी अभी इससे मिलकर तुरंत सॉल्यूशन बना देगा, इसका मतलब ये कैसा है, ये स्टेबल, और ये अनस्टेबल। तो पेपर में डिफरेंस आए तो आप आसानी से बता सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए, तो ये पहला आपको बताया गया टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। अब हमने प्रिपरेशन को हटाकर उसकी जगह चार्ज दिया, चार्ज के बेसिस पर फिर कोलाइडल सॉल्यूशन को दो हिस्सों में बांट दिया, पहला पॉजिटिव कोलाइड और सेकंड नेगेटिव कोलाइड। ये तो आपको समझना थोड़ी है, इसका तो बस एग्जाम पे ध्यान रखना। तो जो ऑक्साइड्स होती और हाइड्रोक्साइड्स होती, इसके मेटल, ये जो होते हैं ये पॉजिटिव कोलाइड्स होती, जैसे आपने कहा हाइड्रोक्साइड ले लिया, ऑक्साइड ले लिया, तो ये होते हैं पॉजिटिव कोलाइड्स। और नेगेटिव कोलाइड्स कौन से होते हैं, सल्फाइड्स या हैलाइड्स ले लो, है ना। जैसे एक आध एग्जाम्पल लिख लेता हूं, मान लो ये ले लिया, तो
आप ये बोलेंगे सल्फाइड ले लो या हैलाइड ले लो, ये नेगेटिव कोलाइड है। दूसरा कुछ नेचुरल कोलाइड्स भी होते हैं, नेचुरल कोलाइड्स जो कि नेगेटिव कोलाइड्स हैं, जैसे ब्लड, जैसे कली, ये जो है ये नेचुरल कोलाइड है, नेगेटिव कोलाइड के पार्ट। तो ये था इसका दूसरा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो आपको याद रखना है, कोई ट्रिक तो लगी नहीं है इसमें। अब आप तीसरा देखिए कि पार्टिकल के साइज के बेसिस पर, बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, इसके बेसिस पर इसको तीन हिस्सों में बांटा गया। पहला होता है माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स, दूसरा होता है मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड, और तीसरा होता है एसोसिएटेड कोलाइड, या इसको मिसेल्स भी कहते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डाल दीजिए, लिखो माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, इसमें जो पार्टिकल साइज होता वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है एक पार्टिकल। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ जाएंगे तो एक क्लस्टर बना देंगे, झुंड बना देंगे, और उसका साइज होगा वो कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएगा। और कोलाइडल पार्टिकल की रेंज आप जानते हो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ जाएंगे, जैसे वैन डर वाल फोर्स से, तो लिख लो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं सल्फर। तो जैसे ये सल्फर है ना, तो कई सारे पार्टिकल की झुंड बना देते, ऐसे है। तो इसका जो साइज होगा वो इस रेंज में आ रहा होगा, तो कोलाइड बन जाएगा। है पार्टिकल का साइज है बहुत छोटा, लेकिन कई सारे पार्टिकल जुड़कर इस रेंज में आ गए, है ना। तो ये जो है ये काम करेगा किसका, मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड। ऐसे ही आप गोल्ड ले लो, मान लो आपने गोल्ड ले लिया, गोल्ड 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 गोल्ड, इस तरीके से आपने देखा कई सारे पार्टिकल एग्रीगेट हो गए, आपस में चिपक गए और कोलाइड रेंज में आ गए। और किससे जुड़े रहते हैं सबके, ये जुड़े रहते हैं वी वैन डर वाल फोर्स से, है ना। लिख लीजिए, पहले इसे बना लीजिए, लिख लीजिए, लिखो लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्स। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ये सल्फर और गोल्ड का वाटर में जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, है ना। तो लिख लो, दे आर लायोफोबिक, कैसे था ये, लायोफोबिक इन नेचर, क्योंकि सल्फर का सोल या गोल्ड का सोल नेचर में कैसा होता है, लायोफोबिक होता है नेचर में। लिख लिया, दूसरा आएगा इसके बाद, पहले इसे लिख लो, देखो माइक्रो के बाद आ गया मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड,
मॉलिकुलर कोलाइड जो होती है ये साइड में इतने बड़े होते हैं कि ये कोलाइडल रेंज में ही पहुंच जाते हैं। एक ही मॉलिक्यूल कोलाइडल रेंज में दिखाई देगा। मैक्रो मींस बड़ा, तो लिखो वेना सिंगल मॉलिक्यूल इज सो लार्ज so that it comes into a colloidal range. Colloidal range क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। एक ही पार्टिकल जो है, सिंगल पार्टिकल, ये ही इस रेंज में आ जाता है। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल ध्यान रखें, प्रोटीन का सॉल्यूशन, सेलुलोज, है ना, इस टाइप के जो सॉल्यूशन होती है, इस टाइप की होती। दूसरा पिछले वाला था लायोफोबिक, ये होती है लायोफिलिक, दे आर लायोफिलिक इन नेचर, इनका नेचर लायोफिलिक होता है। और तीसरा, ये क्वाइट स्टेबल। तो ये बातें ध्यान रखें अगर मैक्रोमोलिक्यूल की बात आ जाए, और एग्जाम्पल जरूर याद रखें। ये था सेकंड टाइप। अब आप तीसरा लिखिए, एसोसिएटेड कोलाइड। तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड। देखो इसमें क्या है, समझ लो। ये आपके पास मान लीजिए सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम है, लो कंसेंट्रेशन। इसमें क्या करा आपने, बाहर से पार्टिकल डाल दिए, कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की लो है, मतलब ऐसे बोल लो या डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल लो। तो अगर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम है तो ये किसकी तरह काम करता है, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपने इसकी धीरे धीरे कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब इसके अंदर जो बाहर से आपने पार्टिकल डाले हैं सॉल्यूट के, वो ज्यादा डाल दिए, हाई कंसेंट्रेशन, तो आप क्या देखोगे, ये पार्टिकल कई सारे डाले हैं ना, ये झुंड बना देंगे, ये क्लस्टर बना देंगे, इस टाइप से ऐसे झुंड बना देंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूं, जैसे घर पे आपने कभी पकौड़े बनाए, तो आप पानी में क्या करो, थोड़ा बेसन डाल दो, है ना, बेसन की मात्रा अगर ज्यादा डाल दी आपने, मतलब कंसेंट्रेटेड ज्यादा हो गया, तो आप जब उसे घोलेंगे तो आपके हाथ में देखना छोटी छोटी गुठली बन जाएंगी, बेसन की गुठली बन जाएंगी, अगर बेसन की मात्रा ज्यादा हो गई, मतलब सॉल्यूशन ज्यादा कंसेंट्रेटेड हुआ, ज्यादा बढ़ा हुआ। तो जब आप कंसेंट्रेट से बढ़ा देंगे सॉल्यूशन की, तो आप देखोगे क्लस्टर बन जाएंगे, कई सारे पार्टिकल जुड़ जाएंगे। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पहले मैंने बताया था, इसका नाम है मिसेल्स, इसको मिसेल्स कहते हैं, ये जो क्लस्टर बन गया। तो एक पर्टिकुलर कंसेंट, पहले जब लो कंसेंट्रेशन थी तो ये ट्रू सॉल्यूशन था, है ना, होमोजीनियस था, बाद में जब कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ाई तो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन के बाद ये मिसेल्स बनना चालू हो गए, क्लस्टर बनना चालू हो गए, है ना। अब जैसे आप सोप की बात करें तो हर सॉल्यूशन के लिए अलग होती है इसकी, तो मिसेल्स फॉर्मेशन जो होगी वो इतनी होगी, सोप के लिए इतने मोल पर लीटर
इस कंसंट्रेशन पर ऐसा बनना चालू होगा सोप के अंदर। इस वैल्यू को बोलते हैं सीएमसी, है ना, क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन इसका नाम है। तो ये सोप के लिए इतनी, डिटर्जेंट के लिए अलग होगी, हर मेटीरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। क्या कहते हैं इसे, क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन। ये वो मिनिमम वैल्यू है जिस पर मिसेल्स बनना स्टार्ट होगा। तो ये पूछा जाता है पेपर में, तो आप शुरू में इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हेन कंपाउंड इज डिसॉल्व। आपने क्या करा, किसी कंपाउंड को इसमें डाला, है ना, व्हेन कंपाउंड इज डिसॉल्व एट लो कंसंट्रेशन। तो शुरू में कंसंट्रेशन आपने लो रखी, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ट्रू सॉल्यूशन, इट फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। तो लो कंसंट्रेशन पे तो ये ट्रू सॉल्यूशन है ना, लेकिन जब कंसंट्रेशन हाई कर दी गई, बट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, तो मॉलिक्यूल क्या बनाना चालू कर देते हैं, मॉलिक्यूल स्टार्ट टू फॉर्म क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, झुंड बनाना चालू कर देते हैं, है ना। विच कम्स इनटू कोलाइडल रीज। और ये जो जो आपको दिखाई दे रहा है क्लस्टर, की किस रेंज में आ जाता है, कोलाइडल रेंज के अंदर। वो कोलाइडल रेंज आपको मालूम ही है 1 नैनोमीटर से, समझ में आ गया। एंड इट्स कॉल्ड क्या कहलाता है, ये जो बनता है एसोसिएटेड कोलाइड, या इसको मिसेल्स बोलते हैं, मिसेल्स कहते हैं जो बन रहे। लिख लिया, अब आप ये लिख लो किस कंसंट्रेशन पे ये बनना स्टार्ट करते हैं। तो लिखो यहां, इसको हटा देता हूं, लिखो सीएमसी, सीएमसी। तो लिख लो इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन। ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिस पर क्या बनना चालू हो जाता है, मिसेल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसेल्स। तो जिस मिनिमम कंसंट्रेशन पे ये क्लस्टर बनना चालू हो जाता है वो कहलाती है मिनिमम कंसंट्रेशन सीएमसी। और सोप के लिए कितनी होती है वो मैंने बता दी, सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पेपर में हर बार आती है, वो है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर भी वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर मिसेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो सेम डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसेल्स। तो ये ध्यान रखिएगा बात, मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पर मिसेल्स बने वो सीएमसी, और मिनिमम टेम्परेचर जिस पर मिसेल्स बने वो कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। ये 2022 जेई में भी पूछा गया, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होगा, आ रहा है समझ। चलिए, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो आपको अच्छा लगे, ऐसा बहुत बढ़िया वीडियो है ना, स्ट्रिक करके 2-3 बार पढ़ना है, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है।
है ना, जैसे हेटरोजीनियस नेचर होता है, ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करता है, कोगुलेशन शो करता है, ये सब चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।